देखो दोस्तों, कल हमने स्वर वर्ण के बारे में बताया था। पिछली जो वीडियो में स्वर के बारे में बताया ना, स्वर की परिभाषा और स्वर के भेद। उसके बाद में जो हम आगे चलते हैं हम, कि स्वर वर्ण के जो हमने भेद आपको बताए थे वो किसके आधार पर बताए थे? काल या मात्रा के आधार पर बताए थे, काल या मात्रा के आधार पर बताए थे। लेकिन आगे जो आएगी, ये तो काल और मात्रा के आधार पर कितने प्रकार बताए थे आपको? तीन, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब आएंगे स्थान के आधार पर, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है ये वर्ड। स्थान के आधार पर, अब स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्थान के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वही तीन होते हैं स्थान के। एक तो काल के आधार पर तीन, स्थान के आधार पर तीन, और नासिका के आधार पर दो। कितने होते हैं? दो। तो हम बताएंगे स्थान के आधार पर स्वर वर्ण, स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद हुए? तीन। नंबर एक, उदात्त स्वर। दूसरा है अनुदात्त स्वर। तीसरा है स्वरित स्वर। ये किसके आधार पर है? स्थान के आधार पर, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। इसके बाद में सबसे पहले उदात्त स्वर, यानी उदात्त स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कौन से होते हैं, तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्थान के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो भी तीन होंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो इसमें पहला है उदात्त। उदात्त स्वर किसे कहते हैं? बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से किया जाता है। किसे भाग से किया जाता है? ऊपरी भाग से किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उदात्त स्वर। बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उदात्त स्वर। अनुदात्त स्वर, उदात्त स्वर कौन कौन से? जैसे ए है, ई, ऊ, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ। बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उदात्त स्वर कहते हैं। उसके बाद में है अनुदात्त स्वर। बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के निचले भाग से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुदात्त स्वर। क्या कहते हैं? अनुदात्त स्वर। जैसे कौन कौन से हैं? ए, ई, ऊ, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ। देखो उदात्त में तो कोई चिन्ह लगता नहीं है, उदात्त में कोई चिन्ह लगता नहीं है, लेकिन अनुदात्त में जो ये नीचे आपको वर्ण दिखाई दे, इनके नीचे एक सरल रेखा, नीचे सीधी लाइन खींची, उदात्त पुनः सुने आप, बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उदात्त स्वर। उदात्त स्वर पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता है। दूसरा है अनुदात्त स्वर। बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के निचले भाग से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुदात्त स्वर। और अनुदात्त स्वर की क्या पहचान है? कि यदि वर्ण के नीचे ये रेखा खींच दी जाए तो कौन से माने जाएंगे? उदात्त स्वर। कौन से माने जाएंगे? उदात्त स्वर। उसके बाद में है स्वरित स्वर। बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण उदात्त और अनुदात्त, बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण उदात्त और अनुदात्त
दोनों के योग से, दोनों के समाहार से किया जाता हो, दोनों के योग से या दोनों के समाहार से किया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वरित स्वर। बे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण उदात और अनुदात दोनों के योग से किया जाता है, दोनों के समाहार से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वरित स्वर। और स्वरित स्वर में कौन कौन से आते हैं, ये स्वर आएंगे लेकिन चिन्ह का अंतर है बस। यदि ऊपर खड़ी लाइन यदि वर्ण के ऊपर खींच दी जाए तो कौन से माने जाएंगे, स्वरित स्वर। यानी कि कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा, उदात पर तो कोई चिन्ह लगेगा नहीं, अनुदात पर नीचे लाइन खींचेगी, नीचे सीधी लाइन खींचेगी, वो अनुदात तो माने जाएंगे। और यदि वर्ण के ऊपर सीधी लाइन ऐसी खड़ी लाइन खींच दी जाए ऊपर तो कौन से माने जाएंगे, स्वरित स्वर। यानी कि ये जो वर्ण का विभाजन है, सॉरी स्वर का विभाजन, ये किसके आधार पर है, स्थान के आधार पर। पहले मैंने आपको बताया था काल के आधार पर, स्थान के आधार पर भी कितने होते हैं, तीन, उदात अनुदात और स्वरित। ये तो है स्थान के आधार पर। अब आएगा नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक अनुनासिक स्वर, नंबर दो अननुनासिक स्वर। किसके आधार पर है, नासिका के आधार पर। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि नासिका के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो कितने माने जाएंगे, दो। काल या मात्रा के आधार पर होते तो कितने माने जाएंगे, तीन, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। स्थान के आधार पर होते तो कितने माने जाएंगे, तीन, उदात अनुदात और स्वरित। लेकिन नासिका के आधार पर पूछ लिया जाए तो कितने माने जाएंगे, दो, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं, अनुनासिक स्वर की परिभाषा क्या है कि बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण, बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण मुख सहित नासिका से किया जाता है, मुख सहित नासिका से किया जाता है। बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण मुख सहित नासिका के सहायता से किया, यानी कि जिसमें नासिका का सहयोग होता है, नाक का सहयोग होता है, वो कौन से माने जाएंगे, अनुनासिक। बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण मुख सहित नासिका की सहायता से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। जैसे ए है, ई है, ये जो ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ है, ई है, ऊ है आदि, ये जितने भी स्वर माने जाएंगे जिसमें अनुनासिक का जैसे ऊपर चंद्रबिंदी लगी हुई है, तो ये जो बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण मुख सहित नासिका की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। आगे है अननुनासिक, बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण बिना नासिका की सहायता से किया जाता है, केवल मुख की सहायता से। बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण बिना नासिका की सहायता से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अननुनासिक स्वर। और कौन कौन से होते हैं, ये सभी स्वर हैं, जैसे ए है, ई है, इसमें कोई भी चंद्रबिंदी कोई भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं है, ए आई ओ जितने भी हैं ये सभी स्वर आदि, ये सभी स्वर जो माने जाएंगे ये क्या माने जाएंगे, अननुनासिक। यानी कि ये जो विभाजन ये किसके आधार पर है, नासिका के आधार पर। यही नासिका के आधार पर स्वर के कितने प्रकार माने गए, दो, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण मुख सहित नासिका की सहायता से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर। दूसरा है अननुनासिक, बेस्वर वर्ण जिनका उच्चारण बिना नासिका की सहायता से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक, अननुनासिक कहते हैं। ये जो दो प्रकार बताए हैं किसके आधार पर है, नासिका के आधार पर।
ये तो विभाजन हुआ। उसके बाद में जो ये स्वर के प्रकार आएंगे कि ए कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बताऊंगा आपको, इसे आप ध्यान से देखें। यानी कि ये आपके स्वर हैं, जैसे ए है, ई, ऊ, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर है। तो इस स्वर के बारे यानी कि जो ये ए है ये कितने प्रकार का होता है, 18 प्रकार का। कैसे होगा ये बताऊंगा मैं। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखें, जो मैंने आपको स्वरों का डिवाइडेशन बताया है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी सबसे पहले मैंने स्वर किसके आधार पर बताए थे, काल या मात्रा के आधार पर। कितने प्रकार होते हैं, 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में मैंने बताए थे स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर कितने होते हैं, 3, कौन कौन से होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उसके बाद में मैंने आपको बताए थे नासिका के आधार पर कितने होते हैं, 2, अनुनासिक और अननुनासिक। तो यदि ये बात आपसे आपको आती है तो आपको ये डिवाइडेशन मैं करूंगा कि एक कितने प्रकार का, 18 प्रकार का, तो कैसे है ये तभी समझ में आएगा जब पहली बात आपके दिमाग में होगी। तो ये जो ए है ये 18 प्रकार का होता है, ई है ये भी 18 प्रकार की है, ऊ है ये भी 18 प्रकार का है, री है ये भी 18, लिरी है 12, ए ऐ ओ औ सभी 12 12। लेकिन आपके दिमाग में एक बात नहीं आई होगी कि ये 18 प्रकार होते हैं, 12 प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, 18 प्रकार है तो क्यों है, 12 है तो क्यों है। ये सुने आप कि ये जो ए है ये 18 प्रकार का है, ये जो ए है ये कितने प्रकार का है, 18 प्रकार का है। 18 प्रकार का कैसे, देखो ये जो ए है आपको बताया कि इस ए को हमने, यानी कि स्वर वर्ण है सभी, तो स्वर वर्ण को हमने काल के या मात्रा के आधार पर, काल या मात्रा के आधार पर, यानी स्वर जो वर्ण मैंने आपको बताए थे कि स्वर जो वर्ण होते हैं ये काल या मात्रा के आधार पर, यानी काल या मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते कि नहीं होते हैं? कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। ये तो आप बात जानते ही हैं, मैं इस ए की बात कर रहा हूं, पुनः इस चीज को नहीं बता रहा हूं। लेकिन ए जो होता है 18 प्रकार का होता है, कैसे होता है ये सुने, और जितने भी 18 प्रकार के, 12 प्रकार के, इन सभी को बताऊंगा। ये जो ए है इसको आप ये बताएं, ये ह्रस्वी होता है नहीं होता है? ये जो ए है ये ह्रस्वी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है। यानी इस ए को हमने ह्रस्वी माना है, दीर्घ भी माना है, प्लुत माना है। बेस्वर यानी जो स्वर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत हैं, यानी कि इसमें 6 प्रकार आएंगे ह्रस्व के, 6 प्रकार आएंगे दीर्घ के और 6 प्रकार आएंगे प्लुत के। ये जो ए है ये ह्रस्वी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, तो 6 3 18 18 प्रकार को हो जाएगा। ये ई है, जो ई है, इस ई को ह्रस्वी माना जाता है, प्लुत भी माना, दीर्घ भी माना जाता है और प्लुत भी माना जाता है। इसलिए इस ई को भी हम कितने प्रकार के मानेंगे, 18 प्रकार की। ऐसे ये जो ऊ होता है ये ऊ ह्रस्वी है, दीर्घ भी है और क्या है, प्लुत भी है। तो इस यानी कि इस ऊ को भी कितने प्रकार का मानेंगे हम, 18 प्रकार का मानेंगे। उसके बाद में ये जो री है इस री को क्या माना जाता है, ह्रस्वी माना जाता है और दीर्घ भी माना जाता है और प्लुत भी माना जाता है। इसलिए जो ह्रस्वी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है, तो ह्रस्व के 6 प्रकार हो गए। ह्रस्वी मानी जाती है तो 6 इसके प्रकार, दीर्घ भी मानी जाती है तो 6 इसके प्रकार, प्लुत मानी जाती है 6 इसके प्रकार। तो 6 बार यानी तीनों प्रकार माने जाएंगे तो फिर कितने प्रकार हो गए, 18। यानी प्रत्येक के 6 प्रकार आएंगे, ह्रस्व के 6, दीर्घ के 6 और प्लुत के 6। बेस्वर वर्ण जो ह्रस्वी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है और इनमें से यदि कोई सा नहीं माना जाएगा तो 6 कम हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस ई की बात कर रहा हूं मैं,
ये ई जो है ये तीनों प्रकार है, ह्रस्वी मानी जाती है ई, दीर्घ भी मानी जाती है और प्लुत भी मानी जाती है। इसलिए इस ई के भी कितने प्रकार माने गए हैं, 18। उसके बाद में ऊ की बात करते हैं हम। ऊ, ये जो ऊ होता है ये ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। ये ऊ भी जब ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है, तो फिर इसके भी कितने प्रकार माने जाएंगे, 18। उसके बाद में है री, री की बात आती है। इस री को ह्रस्व भी माना जाता है, दीर्घ भी माना जाता है और प्लुत भी माना जाता है। इसलिए इस री के भी कितने प्रकार माने जाएंगे, क्योंकि ये जो री है ये ह्रस्व में भी आती है, दीर्घ में भी आती है और प्लुत में भी आती है। इसलिए इस री के भी कितने प्रकार माने जाएंगे, 18। उसके बाद में लिरी, ये जो लिरी होती है, इस लिरी का बहुत तगड़ा झंझट है, सुने आप, ये जो लिरी होती है ये लिरी ह्रस्वी होती है, प्लुत होती है, लेकिन दीर्घ नहीं होती है। जो ह्रस्व है और प्लुत है, दीर्घ नहीं है, तो ह्रस्व के 6 और प्लुत के 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12। यानी कि जो ये 6 प्रकार है दीर्घ, ये नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये जो लिरी है इसको दीर्घ नहीं माना जाता है। इसलिए इस लिरी को कितने प्रकार की मानेंगे हम, 12 प्रकार की। आगे ए है, आई है, ओ है, औ है, ये 4 जो वर्ण हैं इनको हम क्या मानते हैं, दीर्घ मानते हैं और प्लुत मानते हैं, ह्रस्व नहीं मानते, क्योंकि ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं, ह्रस्व स्वर में ए है, ई है, उ है, री है और लिरी है, इनको मानते हैं, लेकिन ए, आई, ओ, औ को हम ह्रस्व नहीं मानते। तो जब ह्रस्व नहीं मानेंगे तो दीर्घ में तो आते हैं ये और प्लुत में भी आते हैं। जब इस ए, आई, ओ, औ वर्णों को हम दीर्घ और प्लुत मानेंगे, ह्रस्व नहीं मानेंगे, तो ह्रस्व की संख्या तो घट जाएगी भाई, 6 कम हो जाएंगे 18 में से। जब 6 कम हो जाएंगे तो कितने प्रकार हो गए 18 में से, 12। तो जो ये ए, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ, औ, ये चारों वर्ण ये कितने प्रकार के माने जाएंगे, 12 के। तो सबसे पहले मैं ए के प्रकार बताता हूं। ए के प्रकार यदि आप जान जाएंगे तो आपके सभी के प्रकार समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ए के बताऊंगा। देखो ए कितने प्रकार का माना गया है, 18 प्रकार का। लेकिन 18 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये सुने आप। तो सबसे पहले 6 किसके प्रकार आएंगे, ह्रस्व के। फिर 6 किसके आएंगे, दीर्घ के। और फिर 6 किसके आएंगे, प्लुत के। तो सबसे पहले प्रकार है ह्रस्व, उदात, उदात, अनुदात, स्वरित, ये भी साथ साथ में आएंगे। अनुनासिक है, अननुनासिक, ये भी आएंगे। ह्रस्व, उदात, अनुनासिक, ह्रस्व, उदात, अनुनासिक, एक बार आएगा उदात में अनुनासिक और एक बार आएगा अननुनासिक। ह्रस्व, उदात, अनुनासिक, उसके बाद में ह्रस्व, उदात, अननुनासिक, अननुनासिक, एक बार अनुनासिक, दूसरी बार में क्या है, अननुनासिक, तीसरा है ह्रस्व, अनुदात, अनुनासिक। देखो एक बार उदात आया, ह्रस्व तो 6 बार आएगा ही, लेकिन एक बार उदात तो 2 बार आएगा, लेकिन एक बार अनुनासिक और एक बार अननुनासिक। उदात का काम पूरा होगा फिर अनुदात आएगा, अनुदात आएगा तो एक बार अनुनासिक और फिर दूसरी बार अननुनासिक। ह्रस्व, अनुदात, अननुनासिक, अनुदात हो गया। उसके बाद में क्या आएगा, स्वरित, ये ह्रस्व तो चलता ही रहेगा, ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक, ह्रस्व, स्वरित, अननुनासिक। छह प्रकार हो गए ह्रस्व के, क्योंकि ये हम जो प्रकार बता रहे हैं ये ए के बता रहे हैं, ए, ये जो ए है इसके प्रकार बता रहे हैं हम।
ये जो ए है इसके प्रकार बता रहे। तो ये जो ए होता है ये ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। तो जब तीनों में आएगा, तीनों प्रकार में ये माना जाएगा, तो फिर कितने प्रकार माने जाएंगे? 18। तो 6 प्रकार तो ये किसके आएंगे? ह्रस्व के। अब किसके आएंगे? दीर्घ वाले, यानी 6 हो गए, उसके बाद में 7। सातवां कौन सा है? दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक। आठवां है दीर्घ उदात्त अनुनासिक, अनुनासिक। उसके बाद में है नवा दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक। दसवां है दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक। अनुनासिक दीर्घ अनुदात अनुनासिक। ग्यारहवां है दीर्घ स्वरित अनुनासिक। बारहवां दीर्घ स्वरित अनुनासिक। यानी कि 6 हो गए ह्रस्व के, 6 किसके हो गए? दीर्घ के। 6 और 6 12 है, लेकिन ये जो ए है ये ह्रस्व भी माना जाता है, दीर्घ भी माना जाता है, और क्या माना जाता है? प्लुत। तो 6 प्रकार किसके आएंगे फिर? प्लुत के। यानी कि 12 उधर हो गए, 13 प्लुत उदात अनुनासिक। प्लुत उदात अनुनासिक। चौदवा है प्लुत उदात अनुनासिक। पंद्रमा है प्लुत अनुदात अनुनासिक। पंद्रमा हो गया, उसके बाद में है 16 प्लुत अनुदात अनुनासिक। अनुनासिक उसके बाद में है 17 प्लुत स्वरित अनुनासिक, और 18 है प्लुत स्वरित अनुनासिक। ये हो गए 18 प्रकार। किसके हो गए? ह्रस्व ए के। यानी कि हमको ये जो ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है इसमें, खाली ये देखना है कि जो ए है ये 18 प्रकार का है। लेकिन 18 प्रकार कैसे मानेंगे? ये जो ए है, ये जो हमने सबसे पहले आपको बताए थे कि काल के आधार पर, मात्रा के आधार पर ए कितने प्रकार, यानी स्वर के कितने भेद बताए थे? 3, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो जो ये ए है, ये आप इस ए को ये देख लें कि ये जो ए है ये ह्रस्व होता है नहीं होता है? होता है। दीर्घ होता है कि नहीं होता है? होता है। और प्लुत भी होता है कि होता है? जब ये तीनों प्रकार यदि ह्रस्व भी, यानी कि ये जो ए है ये ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है, तो फिर कितने प्रकार माने जाएंगे? 18। कितने माने जाएंगे? 18। ये जो ई है ये ह्रस्व भी होती है, दीर्घ भी होती है और प्लुत भी होती है, क्योंकि प्रत्येक के यानी कि ह्रस्व के कितने आएंगे? 6 प्रकार। उसके बाद में दीर्घ के कितने आएंगे? 6। और फिर प्लुत के कितने आएंगे? ये 6। 3 इधर है और 3 इधर है, 6। यानी 6 प्रकार माने जाएंगे। यदि जिनमें से, जैसे हमने ये देखा लिरी है, जैसे लिरी है,
ये जो लिरी होता है ये ह्रस्व भी है लेकिन दीर्घ नहीं है, पिलुत है। जब दीर्घ नहीं है तो सीधी सी बात है ये जो दीर्घ के प्रकार ये अलग हट जाएंगे। जब दीर्घ हट जाएगा तो फिर छह और छह कितने हो जाएंगे, बारह। ऐसे ही ए आई ओ औ, ये जितने भी चारों आपको जो सर्वण दिखाई दे रहे हैं ये ए आई ओ औ, ये चारों ह्रस्व नहीं है, दीर्घ भी होते हैं पिलुत होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं। जब ह्रस्व नहीं होते तो फिर इसके प्रकार कहां से माने जाएंगे भाई, छह प्रकार फिर इनके कम हो गए, कौन से, दीर्घ वाले, ह्रस्व वाले। जब ह्रस्व वाले कम हो गए तो फिर कौन से माने जाएंगे, दीर्घ के छह और पिलुत के छह, कितने हो गए, बारह। तो ये आपको कितने प्रकार बताए हमने, इनके अठारह प्रकार, ये ह्रस्व ए के प्रकार बताए। ऐसे बिल्कुल डिटो ही ह्रस्व यानी इस ई के आएंगे, ऊ के आएंगे, री के आएंगे, लेकिन जो लिरी के प्रकार आएंगे तो लिरी में ये जो लिरी होता है ये ह्रस्व होता है और पिलुत होता है लेकिन दीर्घ नहीं होता है, तो दीर्घ के प्रकार नहीं माने जाएंगे, खाली ह्रस्व और उदात्त, ह्रस्व के और पिलुत के माने जाएंगे। तो ये तो है प्रकार आपकी। आगे प्रकारों के बाद में ये तो बात रही स्वर की, स्वरवर्ण आपका पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गया है। तो आगे आगे अगली वीडियो में आगे हम बताएंगे व्यंजन के बारे में।